सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को खारिज कर दिया। उसने जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा। गुजरात सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा रद्द कर दी और आदेश दिया कि उन्हें 2 सप्ताह के भीतर वापस जेल भेज दिया जाए। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और उज्जल भुइया की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार का छूट आदेश बिना सोचे समझे दिया गया था और पूछा गया कि क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट की अनुमति है, चाहे वे किसी भी धर्म या धर्म को मानने वाली हों। बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। जब फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ बलात्कार किया गया था। मारे गए परिवार के साथ सदस्यों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट दी गई और 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया। पीठ ने कहा, हम गुजरात सरकार द्वारा सत्ता हड़पने के आधार पर छूट के आदेश को रद्द करते हैं। अपने 100 पेज से अधिक के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार छूट का आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वे दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। दोषियों पर महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कहा, हमें अन्य मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा करने के लिए हमारे पास है। कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार में बिना निहित शक्ति को अपने अधिकार से लिया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उस आधार पर भी छूट के आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं, पीठ ने कहा। शीर्ष अदालत ने एक अनपीठ के 13 मई 2022 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात सरकार से दोषियों में से एक की माफी याचिका पर विचार करने को कहा गया था, क्योंकि यह आदेश अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। इसने कहा कि यह एक क्लासिक मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा, बोरावंकर और अन्य की और से पेश हुई वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने इसे बहुत अच्छा फैसला बताया। ग्रोवर ने संवाददाताओं से कहा कि कानून के शासन और इस देश के लोगों, विशेषकर महिलाओं की कानूनी व्यवस्था अदालतों में विश्वास को बरकरार रखा है और न्याय का आश्वासन दिया है। 22 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर नहीं करने के लिए गुजरात सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल महाराष्ट्र राज्य ही छूट के आदेश पारित कर सकता था। मई 2022 के फैसले की समीक्षा याचिका दायर नहीं करने के लिए गुजरात सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल महाराष्ट्र राज्य ही छूट के आदेश पारित कर सकता था। इस अदालत के 13 मई 2022 के आदेश का लाभ उठाते हुए अन्य दोषियों ने भी छूट के आवेदन दायर किए। गुजरात की मिलीभगत थी और उसने प्रतिवादी संख्या के साथ मिलकर काम किया। इस मामले में 3 तथ्यों को छुपाकर इस अदालत को गुमराह किया गया। पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बिल्किस बानो द्वारा दायर सजा माफी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका विचारणीय है। जनहित याचिकाओं की रखरखाव के सवाल का जवाब नहीं मांगा जाता है। शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बिल्किस बानो द्वारा दायर सजा माफी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका विचारणीय है। जनहित याचिकाओं की रखरखाव के सवाल का जवाब नहीं मांगा जाता है क्योंकि इसे अकादमिक बना दिया गया है और उचित मामले में इसे खुला छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अनुसार ये मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संपर्क करना अधिकार है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो को बड़े पैमाने पर उद्धृत करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा, दंड प्रतिशोध के लिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि जो किया गया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, बल्कि रोकथाम और सुधार के लिए दिया जाना चाहिए। अपने ग्रंथ में प्लेटो ने तर्क दिया है कि कानून देने वाले को जहां तक हो सके उसे डॉक्टर की नकल करनी चाहिए, जो केवल दर्द के लिए नहीं बल्कि रोगी को अच्छा करने के लिए अपनी दवा लागू करता है। सजा कही है उपचारात्मक सिद्धांत दंड की तुलना दंडित किए जाने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए दी जाने वाली दवा से करता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यदि किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे शिक्षा और अन्य उपयुक्त कलाओं द्वारा सुधारा जाना चाहिए और फिर एक बेहतर नागरिक और राज्य पर कम बोझ के रूप में मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये अधिधारणा छूट की नीति के केंद्र में है। ये देखते हुए पीड़िता के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, एक महिला सम्मान की हकदार है, चाहे उसे समाज में कितना ही ऊंचा या नीचा क्यों ना माना जाए, या वह किसी भी धर्म को मानने वाली हो या किसी भी पंथ को मानने वाली हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सके, ये ऐसे मुद्दे हैं जो उठते हैं। उसने कहा, पिछले साल 12 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर
11 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित करते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा माफी से संबंधित मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था।